हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। कंसीडर अ गैल्वेनोमीटर सन्टेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 2% करंट पासेस थ्रू इट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर? तो पहले तो फिगर बना लेते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, इसी का रेजिस्टेंस हमसे पूछा है। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक संट लगाया है, मतलब एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है जिसे हम संट बोलते हैं। इसकी वैल्यू रखी है 5 ओम, सॉरी गिवन है। कंसीडर गैल्वेनोमीटर सन्टेड विद 5 ओम रेजिस्टेंस। ये होती है आपकी मेन करंट आई, ये है आपकी मेन करंट या रेंज ऑफ एमीटर भी बोल सकते हो आप इसे। ऐसे इस पूरे को हम एमीटर बोलते हैं और ये रीड करता है आई। इस मेन करंट जहां से जब आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रही है ना, वो मेन करंट का 2% कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। 2% ऑफ मेन करंट आई, ठीक है। तो आई इसको सॉल्व कर लें। आई इज इक्वल टू 2% ऑफ आई का मतलब 2/100 इंटू आई। दिस इज द फर्स्ट केस। अब देखो, जी एंड एस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जी और एस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो ये इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो इसमें करंट जा रही है आई जी और इसमें जा रही है आई माइनस आई जी, क्योंकि यहां से आई टू पार्ट्स में डिवाइड हुई, इसमें आई जी, इसमें आई माइनस आई जी, और आई जी की वैल्यू इतने है आई कंपेरिजन, ठीक है। तो लिख लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो आई जी इंटू जी, ये गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया वी आवर आई आर से, और ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो संट का। तो आई माइनस आई जी करंट इंटू रेजिस्टेंस जो कि 5 ओम दे रखा है। चलो अभी एस लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करके आई जी को इस साइड में ले आओ। तो आई जी कॉमन भी ले लो संग के साथ, जी प्लस एस। मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया है, फिर आई जी कॉम इधर आई जी वाला फैक्टर इधर ले आया हूँ और कॉमन भी ले लिया है। इज इक्वल टू आई एस, आई जी की वैल्यू पुट कर दो 2/100 आई और जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। आई से तो आई कैंसिल हो गया, ये 1/50 हो गया है ना। और चलो एक लाइन बढ़ा देता हूँ, जी प्लस एस इजिकल टू एस, इसका से मल्टीप्लाई कर लूँ 50s इजिकल टू जी प्लस एस। तो ये 49s इक्वल टू जी, तो जी इक्वल टू 49 इंटू एस की वैल्यू 5। यहाँ पर ये एस था, ठीक है नहीं, 5 मैंने इस तरह से बनाया है। चलो मैं बनाया अभी ये रहा 5, मल्टीप्लाई कर लो 245 है ना, मल्टीप्लाई कर लो 245 ओम। ये रेजिस्टेंस ऑफ संट आ गया 245 ओम। डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।